अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रिसेंट 61, 62 और 63 जो है, क्या इनको भी ऑन ग्राउंड किया गया है। तो अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, सिर्फ और सिर्फ ये वो प्लॉट थे जो आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे, जिनमें ओल्ड बीटीके के 125 गज़ की जो फाइलें थी जिन्होंने फुली पेमेंट की हुई थी, और इसी तरह इन 250 गज़ पैराडाइज के जिन्होंने फुली पेमेंट की हुई थी और इनके पास फर्स्ट बुकिंग थी, और इसी तरह जो है जो के पैराडाइज के जो 250 गज़ के प्लॉट थे आउट ऑफ बाउंड्री हुए थे और इनके पास जो बुकिंग थी वो फर्स्ट ओनर थे और आउट ऑफ बाउंड्री फाइल इनके पास पड़ी हुई थी। इनको जो है रीलोकेट नहीं किया गया था प्रिसेंट 61, 62 और 63 के अंदर। अभी तक जो इन तीन प्रिसेंट हैं इनको ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ कि इनको कहाँ पर जो है वो रीलोकेट कर दिया गया है। अलबत्ता ये जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है सिर्फ और सिर्फ इन प्लॉट्स को जो एक्टिव प्रिसेंट हैं, जिसमें जो है प्रिसेंट 25 भी हो सकता है, प्रिसेंट 23 भी हो सकता है, और इसी तरह 250 गज के अंदर पैराडाइज और स्पोर्ट्स सिटी के अंदर मुख्तलिफ जो है वो प्रिसेंट के अंदर जो है इनको रीलोकेट किया जाएगा जो आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट हुए थे। अब बात यह है कि जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद जो है तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल होने के बाद फिर इनको रीलोकेट किया प्रेजेंट 61, 62 और 63 के अंदर, उनको जो है अभी तक अनाउंस नहीं किया कि इनको कौन सी लोकेशन दी गई है। इसी तरह ही जो है अब इन प्रेजेंट के अलावा जो है बाकी जो फाइलें रह गई थी उनको भी जो है वो बैरिया टाउन ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। अलबत्ता जो प्रेजेंट 23 ए के विलास थे उनको भी अभी तक कहीं भी जो है वो रीलोकेट नहीं किया गया और कहीं भी इनको जो है वो विलास जो है वो नहीं दिए गए। और इसी तरह हमने काफ़ी जो है वो YouTube के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आवाज़ जो है वो बुलंद की। मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कि अक्सर जो है वो इसी ही टॉपिक के ऊपर मेरी ज़्यादा वीडियो जो है वो बनी भी हैं और आपको जो है वो गा बगा जो है वो इसके बारे में बताते भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह जो है वो हम आपको नेक्स्ट भी जो है अपडेट देंगे। फिलहाल अभी तक जो अनाउंसमेंट है वो यही है और 6 महीने से 8 महीने के अंदर अंदर जो है इनको कंफर्मेशन दी जाएगी कि जी आपका प्लॉट फलां जगह पे है और इसको हमने डेवलप कर दिया, इस स्ट्रीट को आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो 10 साल के बाद अगर इनको जो है जो खुशनसीब हैं जिनको प्लॉट दे रही है बैरिया, तो वो इस वक्त जो है वो काउंटिंग के हिसाब से बहुत कम रह गए हैं। अलबत्ता यही अगर ऑफिशियली अनाउंस जो है वो काफ़ी टाइम पहले कर दिया जाता तो बेचारे जो ये जितने भी लोग थे जिनके साथ जो है ये प्रॉब्लम पेश आई, तो वो अब तक जो है एक तो बहरिया का जो नाम था वो भी जो है वो ब्रांड एक बना रहता, लोगों को जो है वो ट्रस्ट रहता और इस तरह के जो है वो मसले मसाइल पैदा नहीं होते। अलबत्ता अभी जो है वो पॉलिसियाँ इस तरह की बनानी चाहिए कि जो प्राइवेट बिल्डर काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी जैसे दुबई स्टाइल के हिसाब से जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो बहरिया के अकाउंट से हो, और इसी तरह ही जो है टोटल कोई भी बुकिंग रहता है तो प्राइवेट बिल्डर की जो फाइल है वो भी बहरिया की हेड ऑफिस से ही बुकिंग होके उनको जो है वो तरीकाकार बने और उसके बाद जो है वो बिल्डर के अकाउंट में पैसे आएँ। तो इस तरह का अगर कुछ स्टाइल बने तो ये जो स्कैम हो रहा है इससे भी महफूज हो सकते हैं। फर्दर आप कोई भी जो है वो हमें जो है वो कोई मालूमात देना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर जो है वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो हाज़िर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।